हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो हम आपको मैथ भी पढ़ा रहे हैं, सीडीपी भी पढ़ा रहे हैं, पेडागॉजी की जो क्लास हैं वो भी आपको करवाई जा रही हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं ये अभी जनवरी 2023 का ही पेपर है जो कि सीटेट के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो हम पेपर को ही हिट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट क्या करें, अगर आप तैयारी अपनी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। सीटेट की एक खास बात है, पैटर्न सेम रहता है, वही क्वेश्चंस उठा के ये लोग डाल देते हैं। तो पैटर्न का यहां पर सीधा सीधा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट देखने को मिलते हैं। बाकी आपको क्या बताएं, जो भी क्वेश्चन है वो सीधे के सीधे आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा का सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं और कैसे आप सीटेट के पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्लियर है। तो यहां पर अगर बात करें मैथ्स की तो 30 नंबर का मैथ आता है, ठीक है बच्चा। मैथ यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको पेडागॉजी के दिखेंगे और 15 क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल, तो 15 न्यूमेरिकल के होंगे और 15 पेडागॉजी के। न्यूमेरिकल की क्लास भी चल रही है, पेडागॉजी की क्लास भी चल रही है, तो दोनों क्लास को लीजिए। और जो 30 नंबर की सीडीपी है उसके लिए तो हम महामैराथन क्लास मान लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि सीटेट की खास बात है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है, क्लियर है। तो चलिए, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, आप लोग आ जाइए और क्लास को लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल सीटेट ने पूछा है और ये है आपका, लिख देता हूँ मैं, जनवरी 2023 में ये हुआ था पेपर और पेपर हुआ था आपका 8 जनवरी को। तो इसके अंदर ये सीटेट के थ्रू पूछा गया है, बताइए क्या होगा। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एबी को बिंदु ई तक बढ़ाया जाता है यदि बी ए डी एक्स है, एंगल ए डी सी 50 डिग्री है, एंगल बी सी डी वाई है, एंगल सी बी ई जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, कल मैंने 10 क्वेश्चन इस पेपर के करा दिए थे, बाकी 10 क्वेश्चन बचे थे तो उनको सॉल्व आज करा रहे हैं, ऐसे जो पेपर्स आते रहेंगे उनको सॉल्व कराते रहेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपका सवाल क्या है, क्वेश्चन सीधा सीधा है, किसी समांतर चतुर्भुज, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए ना, ये कोई समांतर चतुर्भुज बना लिया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्लियर। और इसकी एक खास बात और होती है, बताइए आप लोग कमेंट, वो क्या होती है। तो इसके हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, क्लियर। किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया। अब ये जो भुजा ए बी है, इस ए बी भुजा को आप कहां तक बढ़ा दीजिए, आप बढ़ा दीजिए डी तक, ये सवाल ने बोला है, क्लियर। ई तक बढ़ाया जाता है यदि बी ए डी एक्स है, बी ए डी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, एक्स डिग्री का है, एंगल ए डी सी 50 डिग्री का है, ए डी सी ये यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री का है, क्लियर। और इसके बाद बोला है एंगल बी सी डी ये बाई है आपका, तो यहां पर होगा आपका बी सी और ये डी, यानी कि ये कितना है आपका, बाई है। इसके बाद बोला है सी बी ई जेड है, यानी कि सी बी और ई कौन सा होगा भाई, यहां पर ये वाला ई है आपका, ये कितना दे रखा है आपका, जेड दे रखा है, क्लियर। अब आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालिए, तो बहुत आसान है। देखिए, पैरेललोग्राम को आप ऐसे नहीं लिख कर सकते, आप साइड्स को आगे बढ़ा दीजिए, तो इस साइड को बढ़ाइए, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा 180 माइनस जेड, होगा कि नहीं, क्योंकि एक जो रिज रेखा होती है, लीनियर जो लाइन होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, अगर ये वाला जेड है तो ये क्या होगा, 180 माइनस जेड। खास बात क्या होती है, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा आपका, अगर ये जेड है, अगर ये जेड है तो ये वाला जो एंगल है वो जेड के बराबर होगा, क्लियर है कि नहीं, ये वाली बात समझ में आ गई। ये वाला एंगल अगर आप ऐसे मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, क्लियर, इनको भी आगे बढ़ा देते हैं भाई,
क्लियर। तो ये वाला अगर एंगल जेड है तो इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ये सीधा का सीधा अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, बाई जेड के बराबर ही हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। ये जो एंगल है ये वाला कितना एंगल है, ये एक्स है, ये कितना है एक्स। अब खास बात होती है समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की खास बात होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं लिख देता हूं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, बाई, और बाई बराबर क्या हो जाएगा, जेड। तो x बराबर बाई बराबर जेड। क्लियर है कि नहीं, ये वाली बात सीधी समझ में आ गई होगी आपके। तो x बराबर बाई है, बाई बराबर जेड है, तो हम बोल सकते हैं तीनों को वैल्यू निकालना है हमें, x प्लस बाई प्लस जेड। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं, x की जगह के x ही, बाई की जगह पे x और जेड की जगह पे भी x। तो ये क्या आ गया, 3x आ गया। यानी कि जो भी आपका x होगा, जो भी आपका x होगा, अगर आप उसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो वही आपका आंसर होगा। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। तो देख लेते हैं, 2 और 9 11, 11 3 के मल्टीपल में नहीं होगा। 3 और 1 4 3 के मल्टीपल में नहीं होगा। 7 3 10 3 के मल्टीपल में नहीं होगा। 9 3 12 3 के मल्टीपल में होगा। तो यही आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, एक लाइन का सवाल है, जो 3 का मल्टीपल है वही आंसर है। क्लियर है, तो बहुत आसान सवाल था। और कौन सा इसमें यूज किया है, जो पैरेलल लाइन के साथ जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को मैंने इसमें यूज किया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए क्या होगा। किसी रेखा, मान लीजिए कि कोई रेखा है, ये मान लीजिए कोई रेखा बना दी मैंने, इतनी बड़ी भी रेखा मत बनाइए भाई, कोई रेखा है। किसी रेखा ए बी पर स्थित, ए बी ये रेखा हो गई, ए बी पर स्थित एक बिंदु पी है। इस रेखा पर एक बिंदु मान लेते हैं यहां पर पी। यदि पी क्यू किरण इस प्रकार है कि ए पी क्यू, ए पी और क्यू ऐसे मान लेते हैं, इस साइड में क्यू मान लेते हैं, तो ये कितना है आपका 5a-2b, 5a-2b। क्यू पी बी 3a+2b है, क्यू पी बी, तो ये वाला कितना है 3a+2b, कितना है 3a+2b। तो 6a-25° का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अगर आप यहां देखोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो एक लीनियर लाइन पर बना एंगल बन जाएगा कि नहीं, जो कि कितना होता है 180° का। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180°। तो 5a माइनस का 2b प्लस 3a प्लस का 2b बराबर में कितना हो जाएगा 180°। एक सीधी रेखा 180° का कोण बनाएगी, ठीक है बच्चा। तो यहां पर 2b 2b को निपटा देगा, 5a और 3a क्या हो जाएगा आपका 8a हो जाएगा, बराबर में 180° हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, अच्छा जी आपको पूछा था 6 से, तो चलिए a की वैल्यू निकाल देते हैं। ए की वैल्यू आएगी 8 × 2 = 16, बड़ा गजब का आंसर आएगा भाई यहाँ से। 5 और 3 8, 3a+2b और ये 5a-2b, क्लियर है, दोनों ऐड होंगे। तो चलिए मैं इसका यहाँ डिवाइड ही लगाना पड़ेगा, तो a इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180° / 8। तो इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, तो ये कितना जाएगा 90 और ये कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर कैंसिल आउट करते हैं तो ये जाएगा आपका 45 और ये जाएगा आपका 2 बार, तो 45/2 आ गया, लगभग 22.5 के करीब आएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 6a-25° का मान। 6 ए की वैल्यू कितनी है 45/2, माइनस का 25°, ये वाला 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बार, 45 * 3 कितना हो जाएगा 45 × 2 = 90, 45 * 3 = 135, माइनस का 25। तो ये वाला जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 110° आ जाएगा भाई। अब कौन से ऑप्शन में है 110°, 135 गलत है, 120 गलत है, 95 गलत है, तो 110° आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सीटेट का पेपर कोई महारत पेपर नहीं है, बहुत आसान पेपर आता है, बस आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में,
ये क्वेश्चन पूछता कैसे है, ये से क्वेश्चन पूछा है। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एबी 3 सेंटीमीटर, एंगल बी 120 डिग्री, बीसी 6.2 सेंटीमीटर, डीई 6.2 सेंटीमीटर, डीएफ 3 सेंटीमीटर, एंगल डी 120 डिग्री, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बहुत आसान सवाल है, एक ट्राइंगल ये है आपका, इसे बोलेंगे ए बी और सी, दूसरा ट्राइंगल ये है आपका, इसको बोलेंगे डीईएफ। क्लियर है? अब आपसे जो भी पूछा है वो आप लिखते जाइए। तो यहां पूछा है ए बी 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड 3 है, एंगल बी 120 डिग्री, ये वाला 120 हो गया, इसके बाद बीसी 6.2, तो बीसी हो गया 6.2, तीनों हो गए ये। क्लियर? इसके बाद डीई, डीई ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर, डीएफ कितना होगा, डीएफ होगा आपका 3 सेंटीमीटर, और इसके बाद एंगल डी 120 डिग्री है। आगे समझ में? क्लियर है? बहुत आसान सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और सीटेट अब की बार आप पेपर देने जाओगे, जुलाई में जाओ या दिसंबर में जाओ, ये पेपर में आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, जो साइड 3 के साथ है वो साइड कहाँ है, सॉरी यहां पर अगर देखोगे जो साइड 3 के साथ है वो साइड यहां होगी, तो यानी कि ए बी वाली साइड आपकी किस में कॉन्ग्रुएंसी दिखेगी, ए बी वाली साइड की कॉन्ग्रुएंसी दिखेगी आपकी डी एफ से, डी एफ से। एंगल बी की कॉन्ग्रुएंसी आपको देखने को मिलेगी किसके साथ, एंगल डी के साथ, क्योंकि ये 120 डिग्री बन रही है, तो एंगल डी के साथ। और ये बीसी की दिखेगी आपको, बीसी की किसके साथ कॉन्ग्रुएंसी दिखेगी, तो ये दिखेगी बीसी की आपके डीई के साथ। बस हो गया काम आपका। अब यहां से आप लोग समझ लीजिए, तो देखिए त्रिभुज जो एबीसी होगा, ट्राइंगल एबीसी, ये कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, अब ये चेक करना है। तो एबीसी, ए बी और सी, तो यानी कि पहले 3 बोलना पड़ेगा, फिर 120 डिग्री, फिर 6.2, तो ऐसे ही बोलना है आपको, 3 120 6.2, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी ई, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल एफ डी और ई। तो त्रिभुज एबीसी, ये भी गलत, ये भी गलत इसमें है, और ये क्या है, एफ डी ई, तो डी ई एफ तो गलत ही हो गया, एफ डी ई ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आएंगे, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया है। और ये जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो आपको हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक, लगा भाई क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों में रेखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों है। चलिए ये तो बहुत आसान सवाल है, रेखिक सममिति और घूर्णन सममिति। रेखिक सममिति का मतलब हो गया, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, आपने इसके एक मिरर लगा दिया, इसी के साइड में दूसरा बनाया, तो रेखिक सममिति यहाँ समबाहु त्रिभुज में देखने को मिल जाएगी, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में देखने को नहीं मिलेगी। फिर घूर्णन सममिति देखने को नहीं मिलेगी समद्विबाहु के अंदर, पतंग के अंदर आपको नहीं मिलेगा, आयत और पतंग के अंदर नहीं मिलेगा, समचतुर्भुज और आयत के अंतर्गत आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, रेखिक सममिति मिल जाएगी, लीनियर सिमेट्री भी मिल जाएगी, और आपकी जो घूर्णन सममिति है रोटेशनल सिमेट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो समचतुर्भुज के अंतर्गत ये दोनों होती हैं। ये मान लीजिए समचतुर्भुज है, आप इसे कैसे भी घुमाइए, और ये मान लीजिए आयत है, इसको भी आप कैसे भी घुमाइए, कुछ भी करिए, रहेगा वो आयत का आयत ही, और ये समचतुर्भुज का चतुर्भुज ही, तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 80 डिग्री है, ये कोई त्रिभुज है मान लीजिए, पी क्यू आर, एंगल पी 80 डिग्री है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ठीक, तथा एंगल क्यू और आर के अंतः समद्विभाजक, क्यू और आर, ये क्यू हो गया और ये आर का समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ये कहाँ मिलेगा, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि क्यू ओ आर एक्स है, ये कितना है आपका एक्स है, तो आपसे पूछा है 2x माइनस 110 डिग्री का मान बताइए, एंगल पी बोला है
80 डिग्री का। क्यू और आर के अंतः समद्विभाजक, क्यू और आर के अंतः समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्यू ओ आर एक्स है, क्यू ओ आर एक्स है, तो 2x माइनस 110 डिग्री का मान आपको बताना है। तो देखिए अगर ये समद्विभाजक है तो ये वाला एंगल क्या है भाई, अगर ये समद्विभाजक है तो ये वाला एंगल आप ए मान लीजिए, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा ए, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। बस समझ में आई। अब छोटे वाले ट्राइंगल के अंतर्गत हम देखते हैं कौन सा ट्राइंगल, डी ओ आर, ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस एक्स, डी ओ आर, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एक बात तो यहां से निकल आई, दूसरा ये पूरा का पूरा कितना होगा 2a और ये पूरा कितना होगा 2a, तो 2a प्लस 2a 4a प्लस 80, तो 4a प्लस 80 ये कितना होगा आपका 180 डिग्री के बराबर। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहां से अगर हम 4a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 180 में से 80 गया तो 100, a की वैल्यू आ गई यहां से 25 डिग्री। a की वैल्यू आप कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2a प्लस x में, तो 2a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, ये वाली बात समझ में आ गई। तो x का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 130 माइनस का 10 110, तो ये हो जाएगा आपका 260 माइनस 110 डिग्री, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 150 डिग्री के करीब, और वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस को ले लीजिए, थ्योरी क्लास को लीजिए, वहां से आपको बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा फिर। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, ये मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है, नाम नहीं दे रखे, चलिए ए बी और ये सी, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा ये है तो इसको मान लेते हैं 90 सेंटीमीटर की है, तथा अन्य दो भुजाओं में से एक 54 सेंटीमीटर की है, तो इसको एक मान लेते हैं, ये भुजा है 54 सेंटीमीटर की, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हम ट्रिपलेट की ओर चलते हैं, तो ये 90 और 54 है, 90 और 54, तो ट्रिपलेट की ओर चलेंगे तो इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, 9 धाड़े 90 और 9 छक्के 54, दो से फिर कैंसिल आउट करिए 5 3, तो ये किसका होता है ट्रिपलेट, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, होता है कि नहीं। तो 4 से 54 पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, सॉरी 3 से 54 पे जाने के लिए, 3 से 54 पे जाने के लिए कितने का मल्टीपल होगा, 5 से 90 पे जाने के लिए, तो 5 से जो 90 पे जाएंगे तो 15 छक्के 90, 18 पंजे 90, तो 18 का गुणा होगा यहां पर, तो 18 का ही गुणा यहां पर होगा, 18 दुनी ये हो जाएगा 18 दुनी 36 दुनी 72 कितना हो जाएगा, तो ये जो तीसरी वाली साइड वो 72 आ जाएगी 72। अब आपसे पूछा है एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है भाई, 1/2 बेस इनटू हाइट। क्लियर है, तो 1/2 बेस कितना है आपका 72 इनटू हाइट कितनी है 54, निपटा दीजिए तो ये जाएगा आपका 27 बार, तो ये आपका आएगा 72 × 27, और इसको करेंगे तो 7 × 14 7 × 7 49 और 150 × 72 = 144, तो ये आएगा आपका 4 4 9
एक 1944 आ जाएगा भाई, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है आपका। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो सवाल है ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। क्लियर? तो आज की वीडियो में मैंने 6 सवाल कराए हैं, इन 6 सवालों को ही कराऊंगा बाकी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।